बेटा कल हमने एक्सरसाइज 4.6 शुरू की थी, 6 क्वेश्चन किए थे। इसके आगे आधी एक्सरसाइज रहती है, इसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी 7, अल्फा बीटा और द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी ओवर, कल भी पढ़ा था, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं फॉर्म द इक्वेशन, मतलब आप बनाए हूज रूट्स आर, नंबर वन पहली जो है अल्फा स्क्वायर और बीटा, ये दो रूट्स दिए गए। इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी। तो हमें दो चीजें चाहिए, एस और पी। पहले एस निकालते हैं, एस पे इन दोनों को करें जमा। कल हमने पढ़ा था परसों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। इसका मुरब्बा खोला था, टू अल्फा बीटा को उधर ले गए थे। इसे आप एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये देखो बेटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी ओवर ए। माइनस मुरब्बे में हो जाएगी प्लस, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ये आ गया सम। अब बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में इन दोनों को जर्ब दो, ये हो गया अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा हमारे पास किसके बराबर है, सी ओवर ए, ये हो जाएगा सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। सम और प्रोडक्ट आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, एस की जगह बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, ये ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस पी, पी की जगह सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो बेटा इन तीनों का एलसीएम ज़ोमेट्रिकल क्या आएगा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ 0। ये आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऐसी मसावात जिसके ये दो रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। इसी तरह इसी क्वेश्चन नंबर 7 की मुख्तलिफ अजा हैं, एक जुज और देख लें। ऐसी मसावात बनाए जिसके रूट्स अल्फा प्लस वन वाला वन ओवर अल्फा और बीटा प्लस वन ओवर बीटा। उसी तरह बेटा पहले सम निकालते हैं, इन दोनों को जमा करें, प्लस बीटा प्लस वन ओवर बीटा। तरतीब सीधी कर लें, अल्फा प्लस बीटा वन ओवर अल्फा वन ओवर बीटा। अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस बी ओवर, देखो बेटा इन दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा गया बीटा, बीटा कैंसिल अल्फा, एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, अल्फा बीटा सी ओवर ए, ये कैंसिल, माइनस बी ओवर ए माइनस बी ओवर सी, इन दोनों का एलसीएम आएगा ए सी, ए कैंसिल सी ऊपर जर्ब है, सी कैंसिल ए ऊपर जर्ब है माइनस ए बी, ये सम आ गया। प्रोडक्ट में इनको जर्ब दें, अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा और बीटा प्लस वन ओवर बीटा। हाँ बेटा अल्फा बीटा इसको इसके साथ जर्ब दें, अल्फा ओवर बीटा इसको इसके साथ जर्ब दें, बीटा ओवर अल्फा इसको इसके साथ जर्ब दें, वन ओवर अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, अल्फा जर्ब अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा गया बीटा जर्ब बीटा बीटा स्क्वायर, ये वन ओवर अल्फा बीटा है, सी ओवर ए क्या बन जाएगा, ए ओवर सी, सी ओवर ए प्लस
अब देखो बेटा ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा, अल्फा बीटा सी ओवर ए, वैल्यू पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, मुरब्बे में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, माइनस टू सी ओवर ए ओवर सी ओवर ए प्लस ए ओवर सी, सी ओवर ए प्लस ऊपर वालों का एलसीएम बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर टू ए सी, ये सी ओवर ए उलट होके ए ओवर सी बन जाएगा प्लस ए ओवर सी। अब ये ए कैंसिल, इसका स्क्वायर कैंसिल, प्रोडक्ट हमारी निकल रही है सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए सी ओवर ए सी प्लस ए ओवर सी। अब इनका एलसीएम ले, इनका एलसीएम क्या आएगा बेटा? तीनों का ए ए सी और सी का ए सी, ए गया सी स्क्वायर प्लस ए सी गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी गया ए दरबे ए स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आ रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ओवर ए सी, ये प्रोडक्ट हो गई। सम भी आ गई, प्रोडक्ट भी आ गई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बन गया बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम है माइनस बी सी माइनस ए बी ओवर ए सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ओवर ए सी इज इक्वल टू जीरो। इन तीनों का एलसीएम ए सी, ए सी एक्स स्क्वायर, अब ये ए सी है, ये माइनस जर्ब खाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये ए सी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इज इक्वल टू जीरो। आखिरी आंसर क्या बनेगा बेटा? ए सी एक्स स्क्वायर ए बी प्लस बी सी इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी इज इक्वल टू, ये जो नीचे वाली रकम है इधर जाके जीरो के साथ जरूर आएगी, जीरो हो जाएगी। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ऐसी मसावात है जिसके ये दो रूट है अल्फा प्लस वन ओवर अल्फा और बीटा प्लस वन ओवर बीटा। ये क्वेश्चन नंबर सेवन थी, जूज नंबर थी सिक्स। अब बेटा आखिरी क्वेश्चन नंबर नाइन देख लें बस, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन में कहते हैं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। ए है वन, बी है माइनस थ्री, सी है फाइव, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी ओवर ए, माइनस माइनस ये फॉर्मूले की बी माइनस थ्री है, ए वन है, माइनस माइनस प्लस थ्री, अल्फा बीटा सी ओवर ए फाइव ओवर वन फाइव, ठीक हो गया। अब आगे बढ़े, फॉर्म द इक्वेशन हूज रूट्स आर वन माइनस अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा एंड वन माइनस बीटा ओवर वन प्लस बीटा। ये दो रूट दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला, ऐसी मसावात बनाओ जिसके ये दो रूट्स हों। तो रूट्स की फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला आपके सामने है, दो चीजें चाहिए सम और प्रोडक्ट। पहले जमा करें, वन माइनस अल्फा ओवर वन प्लस अल्फा, वन माइनस बीटा ओवर वन प्लस, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा इजाफे का? हाँ बेटा ये कैंसिल, इसको इसके साथ जर्ब दो, वन माइनस अल्फा वन प्लस बीटा ये कैंसिल, वन प्लस अल्फा वन माइनस बीटा,
1 plus beta minus alpha beta plus 1 minus beta plus alpha minus alpha beta over इनको जरूर दो 1 plus beta plus alpha beta. अब बेटे ये माइनस अल्फा इस प्लस अल्फा से कैंसिल, ये प्लस बीटा इस माइनस बीटा से कैंसिल, ये वन वन प्लस वन टू, माइनस अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा ओवर वन प्लस, ये देखो क्या है अल्फा प्लस बीटा है थ्री, अल्फा बीटा ये है फाइव, टू माइनस टू अल्फा बीटा है फाइव ओवर पांच तीन आठ और एक नौ, टू माइनस टेन ओवर नाइन, तो सम हमारा निकल रहा है माइनस एट बाई नाइन. अब है बेटा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में इन दो रूट्स को क्या करेंगे सर्व देंगे, वन माइनस बीटा ओवर वन प्लस बीटा, हाँ जी वन माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा, नीचे वालों को आप उसमें जर्व दें, वन प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यहां से माइनस कॉमन लें बीटा प्लस अल्फा बीटा और वन प्लस तरतीब सीधी कर लें अल्फा प्लस अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट करें दोनों की, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है थ्री के, अल्फा बीटा फाइव के, अल्फा प्लस बीटा थ्री अल्फा बीटा फाइव, पांच जमा एक छः, छः में से तीन गए तीन, पांच तीन आठ, आठ और एक नौ, वन बाई थ्री. अब इक्वेशन फॉर्म करें एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी, सम हमने निकाला है माइनस एट बाई नाइन, पी निकाला है वन बाई थ्री, देखो बेटा इनका ज़ोफिकल क्या आएगा नाइन, ये नाइन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एट एक्स, तीन तीन नौ, तीन एक तीन, तो आखिरी आंसर क्या बनेगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, नीचे वाली रकम उधर जाएगी जीरो के साथ जरूर खाएगी जीरो हो जाएगी. तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये ऐसी मसवात है जिसके ये दो रूट्स हैं वन माइनस अल्फा और वन प्लस अल्फा और वन माइनस बीटा और वन प्लस बीटा. ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.6 जो है ये कम्प्लीट हो गई है, कल इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो 4.7 शुरू करेंगे. अल्लाह हाफिज़.